लाख लोगों को नौकरियां देंगे और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करेंगे। लेकिन लगभग दो वर्ष होने जा रहे हैं, इन दोनों में से सरकार ने कुछ नहीं किया और इस जो अभी नियुक्ति नियमावली बनाया, उस नियुक्ति नियमावली में झारखंड के बेरोजगार नौजवान नवयुवतियों समेत संपूर्ण झारखंड वासियों को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। ऐसी नीतियां बनाई है कि कोई भी देश का कहीं से भी कोई आकर झारखंड में दसवीं या बारहवीं पास कर नौकरी पा लेंगे। ऐसी असंवैधानिक नीति बनाई जिसमें हर भाषा होगी लेकिन हिंदी नहीं रहेगी, ताकि नीति कानून के उलझन में फंसी रहे और नियुक्तियां ना हो सके, और नियुक्तियां हो भी तो नियुक्तियों के व्यापार का रास्ता खुल सके। जिस प्रकार झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है, अब सरकार नियुक्तियों को भी उद्योग बनाना चाह रही है। जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने 2016 में जो स्थानीय नीति बनाई थी उसमें प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी का जन्म झारखंड राज्य में होने के साथ साथ मैट्रिक या दसवीं तक की पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो। ये जरा ध्यान दे के आप समझिएगा, हमारी 2000 झारखंड की जो 16 की नीति थी उसमें झारखंड में जन्म लिया व झारखंड में मैट्रिक या पूरी शिक्षा झारखंड में ही हो, और इसे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी सही माना था। पूर्व की स्थानीय नीति में जो प्रावधान किए गए थे उससे झारखंड के निवासियों को काफ़ी लाभ मिला था। 90% से ज़्यादा हमारी सरकार में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियां हुई थी, उसमें 90% से ज़्यादा झारखंड के बच्चे बच्चियों को ही सरकारी नौकरी मिली थी, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, शिक्षा की नौकरी हो, वन रक्षी की नियुक्ति हो या अन्य विभाग में JPC या कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो नियुक्ति हुई। वर्तमान सरकार में जो संशोधन किया है उसके अनुसार दसवीं तथा बारहवीं की शिक्षा झारखंड से किया जाना अनिवार्य है। क्या वर्तमान सरकार, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या वर्तमान सरकार वैसे अभ्यर्थियों को भी लाभ पहुंचाना चाहती है जिसका जन्म झारखंड में नहीं हुआ? नए संशोधन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2015 से बाहर से आकर झारखंड आकर यहाँ के मैट्रिक पास करता हो और 2 साल इंटरमीडिएट कर लेता है तो यहाँ नियुक्ति के लिए योग माना जाए। एग्जाम्पल, कोई नवीं दूसरे राज्य में पास किया, यहाँ अगर दसवीं में पास करता, मैट्रिक पास करता, 2 साल इंटरमीडिएट करता तो उसको यहाँ के इस नियुक्ति नियमावली के तहत उसे माना जाएगा। अगर वर्तमान सरकार ऐसा संशोधन कर रही है तो यहाँ के आदिवासी मूल वासियों और झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की भाजपा सरकार ने झारखंड के मूल वासी, आदिवासी और लंबे समय से झारखंड में रह रहे निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय नीति बनाई थी। उस नीति के में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड श्रेणी की सारी नौकरियां राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित की गई थी। वर्तमान राज्य सरकार उस कड़े उपबंध को ढीला करने का काम किया।
भारतीय जनता पार्टी के 2014 के घोषणा पत्र में हमने डाली थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के बच्चे बच्चियों को झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। उसी के निमित्त हमने कड़ा कानून बनाकर कि जो झारखंड में जन्मे हैं, झारखंड में शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं, उनको थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में नौकरी और जिले वाइज 10 वर्ष के लिए हम लोग ने आरक्षित किया था। वर्तमान सरकार चुनाव में पूर्व नई स्थानीय नीति बनाने का वादा किया था, लेकिन अब वह मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास करने का एकमात्र शर्त लगाकर पूर्व की ही स्थानीय नीति को बर्बाद करने का काम कर रही है। वर्तमान सरकार के नए संशोधन का सीधा असर राज्य के आदिवासी, मूलवासी और झारखंड वासियों के हित पर पड़ेगा। राज्य सरकार की नई नियुक्ति नियमावली यहाँ के जातिगत तथा भाषा संरचना को नुकसान पहुँचाने की एक बड़ी साजिश हो रही है। बंगला उड़िया भाषा को शामिल करने का भारतीय जनता पार्टी भी स्वागत करती है, क्योंकि ये हमारे राज्य का द्वितीय राजभाषा है। लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी की उपेक्षा बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नई नियुक्ति नियमावली के माध्यम से झारखंड में बाहरी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। नए प्रावधान के बाद देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ झारखंड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकता है। झारखंड के अधिकांश छात्र जनजाति भाषा के बजाय हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। कहीं भी झारखंड में जनजातियों के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं है। इस राज्य में दो ही भाषा में स्कूलों में पढ़ाया जाता है, या तो हिंदी माध्यम या फिर इंग्लिश मीडियम। और वर्तमान सरकार ने जानबूझकर हिंदी को ही परीक्षा प्रक्रिया से बाहर कर दिया, तो ये तो संविधान के खिलाफ। इसने कहा मैंने असंवैधानिक है, कि पूरी नियुक्ति नियमावली असंवैधानिक है और जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी न्याय के लिए, जस्टिस नरसिंहिक न्याय के लिए कानून का भी दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, आज भी पूरी सरकार को न्यायपालिका ही चला रही है, चाहे कोरोना महामारी की हो, चाहे इनक्रोचमेंट हटाना हो, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था का हो, सारी न्यायपालिका। तो ये विधायिका की जो गरिमा इस सरकार में खत्म हो रही है, तो विधायिका की गरिमा बने रहे, ये हमारी राज्य सरकार से मांग है। कि जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।